हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज हम आए हैं सुंदर नर्सरी के अंदर बने फैब कैफे में, तो चलिए चलकर इसे देखते हैं। फैब कैफे बाय द लेक जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सुंदर नर्सरी में, जो है हुमायूं टूम के ठीक सामने। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स परचेज करेंगे। टिकट्स पर पर्सन इज ₹40। चिल्ड्रन बिलो 5 आर फ्री। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट ₹20 की है और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये टिकट सिर्फ ₹20 की है। सुंदर नर्सरी के टिकट्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आपको काउंटर पर आकर ही खरीदना पड़ेगा। अच्छे रेस्टोरेंट्स मोस्टली बड़े मार्केट्स या 5-स्टार होटल्स में होते हैं। ये फैब कैफे बाय द लेक एक ऐसा यूनिक कैफे है जो कि चारों तरफ से नेचर से घिरा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट लगा और इसी वजह से मैंने इस पर व्लॉग बनाने की सोची। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आई तो हूँ मैं यहाँ पर फैब कैफे में ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन फैब कैफे तक पहुँचने के लिए सुंदर नर्सरी की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के खूबसूरत पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। इस गार्डन की ब्यूटी को देखकर आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस नर्सरी पर एक व्लॉग तो बनता ही है। कैफे विजिट के बाद मैं इसे जरूर शूट करूंगी। होपफुली वो व्लॉग आप जल्द ही देखेंगे। ये कैफे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला होता है, पर कोविड के चलते बेहतर ये है कि आप अपने रिजर्वेशन करा कर आए। स्क्रीन पर सारे डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आ गए हैं हम फैब कैफे में। फैब इंडिया की क्लोदिंग वो तो बहुत मशहूर है ही। हम लोग खुद फैब इंडिया की क्लोदिंग पहन रहे हैं, आई डोंट नो सिंस व्हेन, मे बी एटलीस्ट 20 इयर्स नाउ। उनका ही ये नया वेंचर है, विच इज द फैब कैफे। सुंदर नर्सरी में ये ओपन हुआ है November 1st, 2020। दिल्ली में फैब कैफे के बाकी आउटलेट्स हैं लाजपत नगर, वसंत कुंज, रजौरी गार्डन, स्टार्लिंग मॉल नोएडा, गोल्फ कोर्स गुड़गांव और उद्योग विहार में। लेक के किनारे बना हुआ ये कैफे एक बहुत ही शानदार फील देता है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे यू आर जस्ट सो क्लोज टू नेचर। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हर अगली टेबल को खाली छोड़ा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। यहाँ के खाने की एक और खास बात यह है कि इनके मेन्यू में कैलोरी कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक खास लिस्ट है। इसे ये लोग हेल्दी गॉर्मेट डाइनिंग कहते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही पोलाइट है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इसके इंटीरियर को खास क्लोज टू नेचर लुक दिया गया है। वैसे तो आउटडोर कैफे विदेशों में बहुत ही प्रचलित हैं, पर ये इंडिया में बना हुआ ऐसा पहला कॉन्सेप्ट कैफे है। Here we found a cozy corner at this beautiful restaurant. Let's order something from the menu. We had ordered a cold coffee. देखने में तो ये काफी सुंदर लग रही है। ट्राई कर देखते हैं कि ये पीने में कैसी है। इस कोल्ड कॉफी का प्राइस है ₹250। ब्रेकफास्ट के लिए हमने ऑर्डर किया मटर पनीर स्टफ्ड पराठा विद कैश्यू चीज और बेरी ब्लास्ट। पराठा कॉम्बो वॉज ₹295 एंड द बेरी ब्लास्ट वॉज ₹290। डेजर्ट के लिए वी हैड आलमंड क्रशन एक्सप्रेसो केक। इस रेस्टोरेंट में हर कस्टमर के जाने के बाद टेबल, कुर्सी वगैरह को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। दिस इज द टेक अवे काउंटर। अगर आप सुंदर नर्सरी में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए आए हों, तो यहाँ पर आप अपने मील ट्रेज ऑर्डर करें और आराम से बैठकर अपने पिकनिक के एरिया पर खाने को एंजॉय करें। किसी खास दिन पर अगर आपको एक यूनिक जगह पर बैठकर कुछ डिफरेंट खाना हो, तो ये जगह आपके लिए है।
ये आपके रेगुलर रेस्टोरेंट से कुछ अलग है क्योंकि ये नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की तरह मार्केट के बीचों बीच नहीं बना है। यह नेचर से सराउंडेड है जो कि बिल्कुल नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बैठकर खाना खाना एक नया एक्सपीरियंस होगा विद डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि यहाँ मिलने वाली कॉफ़ी से लेकर समोसा तक कुछ अलग स्टाइल में बनाया और सर्व किया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने यहाँ पर जो समय स्पेंड किया वो बहुत ही डिफरेंट और मेमोरेबल था। यहाँ का एम्बियंस और हॉस्पिटैलिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, यहाँ की सर्विस थोड़ी और फास्ट हो सकती थी, लेकिन अगर आप नेचर को एंजॉय करने आए हैं तो टाइम रियली डज नॉट मैटर। द मोर यू सेट हियर द मोर यू एंजॉय। ओवरऑल आवर ट्रिप टू फैब कैफे बाय द लेक वॉज वंडरफुल। खाना तो हमने यहाँ एंजॉय किया है, साथ में सिटिंग अलोंग द लेक साइड एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक ऑफ द वाटर वॉज वंडरफुल। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिल्ली का ये हिडन जेम रेस्टोरेंट आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।